हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है आपका 2020 एग्ज़ाम के लिए, तो ऑलरेडी हम लोग आपको बता चुके हैं कि हमारा एक शेड्यूल भी चल रहा है, जो आपका मंडे टू संडे वाला शेड्यूल होता है। और उसका शेड्यूल आपको यूट्यूब पे हमारे कम्युनिटी पोस्ट में उसका शेड्यूल मिल जाएगा, जिसमें ऑलमोस्ट हम सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो आपसे यूपीएससी मांगता है उनको ऑलमोस्ट हम सबको कवर कर रहे हैं। और कुछ जो एक आध सब्जेक्ट नहीं है उसमें, वो भी हम अभी इसमें एडिशंस कर देंगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस शेड्यूल को देखें। उसी साथ साथ हमारा एक उड़ान इनिशिएटिव है, ठीक है? इस इनिशिएटिव में हम आपको जनवरी 2019 से लेकर आपके अप्रैल 2020 तक के सारे करंट अफेयर्स कवर कराएंगे। और ये क्लासेस आपकी लाइव यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहती हैं मंडे और थर्सडे को, ठीक है? ये क्लासेस जो हैं आपकी मंडे और थर्सडे को दोपहर को 3 बजे यूट्यूब पर लाइव चलती हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव जो है कवरेज हम यहाँ पर आपकी कराएंगे करंट अफेयर्स की, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने के लिए मिले हैं वो है, आप सब जानते हैं कि न्यूज़ में यूएस और ईरान का जो एस्केलेशन चल रहा है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या वी आर ऑन अ वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर थ्री, इज द वर्ल्ड ऑन अ वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर थ्री? क्योंकि अगर ये एस्केलेशन हो जाता है और इस एस्केलेशन को ये कंट्रोल में नहीं आता, तो क्या वॉर हो सकता है? और क्योंकि आप इतना ग्लोबलाइज्ड ये वर्ल्ड है, तो ये सिर्फ दो कंट्रीज तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइना ईरान का कितना बड़ा सपोर्टर है, ठीक है? वो बैकअप करता है उसको। तो क्या बाकी की कंट्रीज जो है वो भी इस वॉर का हिस्सा बन जाएंगी अगर यूएस और ईरान का एस्केलेशन होता है? तो पहले तो हम देख लेते हैं ब्रीफली हो क्या रहा है। आपने न्यूज़ में देखा भी होगा, बट एक क्विक। अब सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, जो अभी आपकी करंट प्रॉब्लम चल रही है, वो हुई आपके कासिम सोलेमानी जो थे, जो ईरान के फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर थे, उनको यूएस ने उनको मार दिया, ठीक है? तो यूएस ने इसका ये जस्टिफिकेशन दिया कि जो सोलेमानी थे ही वॉज प्लानिंग समथिंग बिग अगेंस्ट द यूएस। और हम सब जानते हैं, पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है उन्होंने ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस हैं उनको एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया था, ठीक है? तो किसी एक कंट्री की आर्मी को अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ग्रेव प्रॉब्लम्स हैं। और रिसेंटली ईरान ने भी यही चीज़ फॉलो की, और ईरान ने भी यूएस फोर्सेज को एज ए टेररिस्ट ग्रुप जो है वो डिक्लेयर किया। तो कासिम सोलेमानी के बाद जो है ये सारा जो प्रॉब्लम है शुरू हुआ। एंड सोलेमानी वॉज अ लार्जर देन लार्ज, वेरी लार्ज फिगर इन ईरान, ठीक है? काफी ज्यादा लोग जो है उन्हें मानते थे। और ऐसे व्यक्ति को जो है यूएस ने बगदाद में जो है अपने ड्रोन स्ट्राइक से उनको मार दिया, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रंप साहब ने ट्वीट कर कर ये बोला कि जो सोलेमानी थे ही वॉज प्लानिंग अ बिग अटैक, जब यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने उनको बगदाद में मारा। इसके बाद क्या इंसिडेंट हुआ? इसके बाद एक और इंसिडेंट जो हुआ हमारे पास, वो था यूएस ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को वीजा डिक्लाइन कर दिया सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के लिए। अब आपकी जो यूएनएससी की जो मीटिंग होती है वो हमेशा न्यूयॉर्क में होती है, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये हुई कि इस मीटिंग में यूएस ने ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर को वीजा देने से मना कर दिया। तो यूएस के मिनिस्टर्स को ये बोला, फिर आपके जो फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के जिनका नाम था जावेद जरीफ, तो इन्होंने ये बोला कि ये यूएस जो है ये साजिश रच रहा है। और ईरानियन मिनिस्टर ने जो एक इसमें कहा कि दिस इज अगेंस्ट द यूएन कन्वेंशन, ठीक है? ये यूएन के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, ठीक है? ही सेड दैट इट वाज एन आउटराइट वायलेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अ 1947 यूएन हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट। अब इस एग्रीमेंट में बेसिकली है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स है, अब देखिए यूएनजीए की जो जनरल असेंबली की मीटिंग होती है वो भी यूएस में होती है, और यूएनएससी की मीटिंग भी यूएस में होती है। तो अगर यूएस ऐसे फॉरेन ऑफिशियल्स को आने नहीं देगा, वीजा नहीं देगा, तो यूनाइटेड नेशंस का पर्पस ही खत्म हो जाएगा कि भाई सबको बिठा के हमने बात करनी है ताकि जो है डी एस्केलेशन किया जा सके, अगर किन्हीं दो पार्टीज में प्रॉब्लम है या ज्यादा पार्टीज में भी प्रॉब्लम है। तो
ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने यही बोला कि इट इज अ डायरेक्ट वायोलेशन टू द 1947 यूएन हेडक्वार्टर्स एग्रीमेंट, जो ये रिक्वायरमेंट डालता है यूएस के ऊपर कि वो अलाउ करे फॉरेन ऑफिशियल्स को यूएस के अंदर फॉर यूएन अफेयर्स, ठीक है, यूएन से रिलेटेड जो भी अफेयर्स हैं उसके लिए वो इनको अलाउ करे। ऑल राइट, इसके बाद साथ ही साथ जैसे जैसे यूएस और ईरान के बीच में एस्केलेशंस चल रहे थे, क्योंकि ईरान ने सीधा बोला कि अब यूएस ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारे आर्म फोर्सेस के एक व्यक्ति को ऐसे मार दिया, तो हम भी इसका जवाब देंगे। तो इसी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने एक ब्रुसेल्स में मीटिंग की फॉर ईरान क्राइसिस, ठीक है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रेंच और जर्मन फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्ट लिया, ठीक है। बेसिकली ये टॉक्स थी कि भाई अब ईरान जो है उसने बोल दिया है कि मैं अब जो ये न्यूक्लियर डील हुई थी जिसमें तेहरान के ऊपर लिमिट्स लगाई गई थी कि वो न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना करे फॉर मेकिंग वेपन्स, तो अब ईरान ने बोला है कि अब हम इससे भी विड्रॉ करेंगे एंड वील मेक न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। तो 2015 के अकॉर्ड को अब ईरान कह रहा है कि वील नॉट, यू नो, हम इसको नहीं मानेंगे। तो इसमें एक और आपके लिए यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा, ये जो आपका आर्टिकल है ये मैंने ट्रिब्यून से लिया है, सारे आपके जितना भी मैं यहाँ पर आपके साथ पॉइंट्स आज डिस्कस कर रहा हूँ दे ऑल आर ऑथेंटिक, ऑथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो क्योंकि बहुत सारी हम यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं जिनमें इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाती है, जैसे जस्ट फॉर इंक्रीजिंग देयर व्यूज। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था जब ट्रंप का इम्पीचमेंट का प्रोसेस यूएस में शुरू हुआ था थोड़ा सा, तो वीडियो के थंबनेल की हेडिंग थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इम्पीच्ड, तो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा व्यूज गेन करने के लिए लोग ऐसा करते हैं कि ऐसी हेडलाइंस या ऐसे बैनर्स बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं, ऐसे थंबनेल्स बनाकर यूट्यूब पर डाल देते हैं जस्ट टू गेन व्यूज। तो आपको उस चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी एट अभिपीडिया ओनली प्रोवाइड द ट्रस्टेड कंटेंट, रिलीवेंट कंटेंट, ऐसा नहीं है कि कहीं से कोई भी अफवाह आई और उसको हम बनाकर डाल दें। तो यहाँ पर अब आप ये देखें, ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस ने बोला कि E3, अब यहाँ पे आपके लिए E3 इंपॉर्टेंट है, E3 टर्म किन तीन यूरोप के देशों के लिए यूज की जाती है, वो है ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी। अब अगर मैं यूपीएससी हूँ और ये सारा कंफ्लिक्ट चल रहा है तो क्या मैं ऐसा क्वेश्चन डाल सकता हूँ द टर्म E3, अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन डालूँ द टर्म E3 समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन डाल दूं और नीचे चार ऑप्शंस दे दूं, उनमें से एक ऑप्शन रहेगा कि इट इज टू रेफर ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी टुगेदर, ठीक है, ऐसा सा कुछ ऑप्शन रहेगा, तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो आपको पता होना चाहिए कि E3 की हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी डिसाइड किया कि दे वुड मीट और डिस्कस करेंगे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान की टेंशन को किस तरह से डिफ्यूज किया जाए। ऑल राइट, अब जो रिसेंटली जो हुआ है वो क्या हुआ है कि ईरान ने अपने जो बदला लेने के लिए अपना क्या किया, ईरान ने इराकी मिलिट्री बेसिस जो यूएस में, इराक में मिलिट्री बेस थे यूएस के, वहां पर उन पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया, ठीक है, यूएस ट्रूप्स के ऊपर। तो ईरान हैज लॉन्च द मिसाइल स्ट्राइक अगेंस्ट टू इराकी मिलिट्री बेसिस, ठीक है, टू इराकी मिलिट्री बेसिस पर ये अटैक किया जहां पर यूएस फोर्सेस थी, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने मोर देन अ डजन बैलिस्टिक मिसाइल्स वर टारगेटेड एंड अल असद एंड अरबिल मिलिट्री बेस, ये आपके दो मिलिट्री बेस हैं जिनको टारगेट किया गया था। ऑल राइट, तो इसके बाद अब ट्रंप से पूछा गया कि भाई कैसा, मतलब कि आप क्या करेंगे, तो ट्रंप ने बोला कि ईरान अटैक्स पर कि ऑल इज वेल। तो ट्रंप ने अपना ये ट्वीट दिया कि ऑल इज वेल, मिसाइल्स लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान एट टू मिलिट्री बेसिस लोकेटेड इन इराक, ये एक्सेप्ट किया यूएस ने कि इराक ने बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, असेसमेंट ऑफ कैजुअलिटीज एंड डैमेजेस टेकिंग प्लेस नाउ, ठीक है, कि अभी असेसमेंट वगैरह सब जारी है, अभी तक कुछ ऐसा नुकसान नहीं हुआ, अभी तक सब कुछ ठीक है। और ट्रंप ने साथ ही साथ ये भी बोला कि हमारे पास मोस्ट पावरफुल और वेल इक्विप्ड मिलिट्री है, ठीक है, बाय फार, आई विल बी मेकिंग अ स्टेटमेंट टुमारो मॉर्निंग, ये इन्होंने स्टेटमेंट्स दी। अब यहाँ पर जब स्टेटमेंट्स ये सब आ रही थी तो यहाँ पर दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक तो टर्म 52, ठीक है, 52 थ्रेट ये डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले दिया था, तो
तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अगर ईरान कुछ एक्शन लेता है तो यूएस विल बी टारगेटिंग द 52 कल्चरल साइट्स इन ईरान, ठीक है, कि हम 52 उन कल्चरल साइट्स पे ईरान की अटैक करेंगे। तो इसका जवाब देते हुए ईरान ने भी ये बोला, और इसका जो बैकग्राउंड था 52 कल्चरल साइट्स का, इट वाज इन लेट 80s। तो लेट 80s में हुआ क्या था, बेसिकली लेट 80s में ईरान में कुछ यूएस के जो लोग थे, यूएस के जो ट्रूप्स थे, उनको जो है किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। तो इसी चीज को वो शो डोनाल्ड ट्रंप टारगेट कर रहे थे कि जैसे आपने हमारे 52 लोगों को किडनैप किया था और हाईजैक किया था, वैसे ही हम आपकी 52 कल्चरल हेरिटेज साइट्स पर भी अटैक कर सकते हैं। सिमिलर वाज द इंसिडेंट जिसमें यूएस ने, अगेन 1980s का ही, 1990s का ही ये इंसिडेंट है, इसमें यूएस ने ईरान के एक जो सिविल एयरप्लेन है उसको मार गिराया था, और अराउंड 250 to 260, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नंबर, इसमें ये कैजुअलिटीज हुई थी। तो आपके जो रूहानी साहब हैं ईरान में, उन्होंने भी यूएस को ये याद दिलाया कि आप इसको मत भूलिए कि आपने ये कितना बड़ा एक गुनाह किया था, और इन इस 250 to 260 में अराउंड 60 चिल्ड्रन भी थे, ठीक है। तो आपने इतना बड़ा पाप किया था, आप हमें कहाँ ये गिना रहे हो कि आपके 52 लोगों को किडनैप कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक आजकल टर्म जो है चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है 52 कल्चरल साइट्स पर अटैक करने की धमकी देते हैं। हालांकि जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी अभी स्टेटमेंट ये आई थी रिसेंटली कि ऐसा कुछ नहीं है कि 52 कल्चरल हेरिटेज साइट्स को अटैक किया जाएगा, क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट दी वॉर एथिक्स एंड ऑल्सो द वेरियस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन, जिसमें आप ऐसे सिविलियन प्लेसेस को टारगेट नहीं कर सकते हो। और ईरान ने भी यही बोला है कि देखो, ईरान ने जब यूएस को उसकी 52 कल्चरल हेरिटेज साइट्स पर अटैक करने के धमकी के जवाब में धमकी दी, ईरान ने भी, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे मिलिट्री बेसिस जो दुनिया में हैं उनको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो ईरान ने अब अपना जो है एक तरह से अपनी पूरे दुनिया को ये दिखाया कि देखो, हम यूएस के आम जनता को मारने की बातें नहीं कर रहे, हम यूएस की आम जनता पे अटैक करने की बातें नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनके मिलिट्री बेसिस को टारगेट कर रहे हैं। जबकि अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स इज टॉकिंग अबाउट टारगेटिंग द सिविलियन प्लेसेस, ठीक है। तो लेकिन यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको डिनाई किया है। अब ट्रंप साहब का ट्वीट आया तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो थे, इन्होंने भी ट्वीट किया कि हमें कोई एस्केलेशन नहीं चाहिए। अब हमने ये जो अटैक किया है, या जो हमने दो मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है, इसमें हम, ऐसा नहीं है कि हम एस्केलेशन चाहते हैं या वॉर चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने आप को डिफेंड जरूर करेंगे अगर यूएस वॉर चाहता है। अब बेसिकली ईरान के ऊपर देखो कितना ज्यादा प्रेशर था कि ईरान के, अब आपने एक मिलिट्री जनरल को मार दिया और आप उससे ये एक्सपेक्ट करो कि वो कुछ भी ना करे, तो वहां की पॉपुलेशन वहां की सरकार को जीने देगी क्या? अब खुद सोचिए, अगर इंडिया में कोई पाकिस्तान कल को किसी जनरल को ऐसे ड्रोन अटैक से मार देता है, तो क्या हिंदुस्तान नहीं अटैक करेगा? और अगर हिंदुस्तान अगर कुछ नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, जो पॉपुलेशन है उसमें वहां की जो गवर्नमेंट है वो अनपॉपुलर हो जाएगी। तो ईरान को तो कुछ ना कुछ तो करना ही था, लेकिन ईरान ने साथ के साथ ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि भैया, हम वॉर नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि हमने जंग का ऐलान किया है, हम तो सिर्फ अब ये दिखाना चाहते हैं कि आप ईरान को इतना कैजुअली नहीं ले सकते कि आप आओ और कभी भी आकर किसी को भी मार जाओ। तो ये बेसिक चीज जो है हम यहाँ पर शो करना चाहते हैं। तो यूएस का जवाब देते हुए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये ट्वीट किया कि ईरान टुक का कंक्लूडेड प्रोपोर्शनेट मेजर, कि हमने प्रोपोर्शनेट मेजर लिया, हमने ऐसा नहीं है कि आपके सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर बम बरसा दिए, और ये भी हमने सेल्फ डिफेंस में किया, और हमने ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से किया, वी हैव डन इट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर, ठीक है। और इस चार्टर के तहत ही हमने ऐसे बेस को टारगेट किया जहां से आर्म्ड अटैक का यूज किया गया था, हमारे सिटीजन और हमारे सीनियर ऑफिशियल्स को टारगेट जहां से किया गया था, ठीक है। तो हमने तो आर्टिकल 51 ऑफ यूएन चार्टर के अंडर ही एक्ट किया है, आपने उस बेस का प्रयोग किया हमारे एक ऑफिशियल को मारने के लिए, तो हमने आंसर बैक किया उसी बेस पर अटैक करके, ठीक है। वी डू नॉट सीक एस्केलेशन और वॉर, बट विल डिफेंड आर सेल्व अगेंस्ट एनी एग्रेशन। तो पॉइंट बिल्कुल यहां पर क्लियर कर दिया गया।
अब इंडिया के क्या इंटरेस्ट हैं वेस्ट एशिया में? चलो इतना सब हमने पढ़ लिया, अब ये हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ी सी स्टोरी पता होनी चाहिए थी, वो हमें पता चल गई। मेनली हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए कि भैया इंडिया के क्या क्या इंटरेस्ट हैं? तो सबसे पहले आप देखें कि इंडिया के तीन तरह के यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एक एनर्जी इंटरेस्ट। ठीक है, तो तीन हमारे इंटरेस्ट हैं इस रीजन में। सबसे पहले तो अगर मैं वेस्ट एशिया की बात करूँ तो हमारी एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हमारे लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा गए हुए हैं, कुछ 8 से 9 मिलियन इंडियंस जो हैं वो वेस्ट एशिया में काम करते हैं। और अगर यूएस और ईरान के बीच में एस्केलेशन बढ़ता है और ये सिचुएशन वॉर तक जाती है तो इसके हमारे ऊपर दो नुकसान होंगे। सबसे पहले तो वेस्ट एशिया से हमें बहुत सारी रेमिटेंसीज आती हैं। ठीक है, अगर वॉर हो गई तो ये रेमिटेंसीज आनी बंद हो जाएंगी, इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा, अगर वॉर जैसी सिचुएशन वहां पर बनती है या वॉर होती है तो काफी सारे जो एनआरआई इंडियंस जो इस रीजन में रह रहे हैं वो हिंदुस्तान वापस आने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे इंडियन रिसोर्सेज पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अब आपको इनको जॉब्स भी देने होंगे, रहने के लिए घर भी देने होंगे, ठीक है, एजुकेशन भी देनी होगी, तो ये सारे प्रेशर जो है इंडियन रिसोर्सेज पर पड़ेंगे और भी बहुत सारे। तो इससे यहाँ पर हमारे दो नुकसान होते हैं अगर ये एस्केलेशन बढ़ती है एक्सपेट्रिएट्स के केस में, एक तो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी और दूसरा ये कि जो एनआरआई इंडियंस वापस आएंगे आप उनको कैसे सेटल डाउन यहाँ पर करोगे? अगर आप यहाँ पर कंट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ट देखें, ये हमने आरबीआई की वेबसाइट से सर्वे उठाया, तो अगर आप देखें जो टॉप रेमिटेंसेज वाली कंट्रीज हैं वो सारी वेस्ट एशिया की हैं। अगर आप यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, ओमान, ठीक है, इन सारी कंट्रीज को मिला दें तो आप देख सकते हैं कि मोर देन 70% जो हमारे रेमिटेंसीज हैं वो वेस्ट एशिया से आ रहे हैं। तो इससे कितना ज्यादा हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया का और क्या कंसर्न है? अब देखिए, वेस्ट एशिया हम सब जानते हैं कि इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंडियन ऑयल रिसोर्सेज। ठीक है, मोर देन 70% इंडियन ऑयल रिसोर्सेज जो है वो यहाँ से आते हैं। अब आप एक बात यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, दो ईरान हमारा मेजर ऑयल सोर्स ईरान से नहीं आता, लेकिन हमारा तेल सऊदी अरेबिया से आता है, यूएई से आता है। ठीक है, अब ये सारा जो तेल है ये पास करता है पर्शियन गल्फ से। ठीक है, तो पर्शियन गल्फ पर अब आपका एक चोक पॉइंट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान इजीली चोक कर सकता है, इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट या वॉर अगर होती है तो ईरान यहाँ पर पाबंदियां लगा सकता है, जिसकी वजह से हमारे ऑयल सप्लाईज या जो हमारी एनर्जी नीड्स हैं वो डिसरप्ट हो सकती हैं। क्लियर? चलिए, उसके अलावा ईरान इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकली। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो दो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं जिनको इंडिया टारगेट करता है, एक सेंट्रल एशिया जिसमें हमारे जो एनर्जी नीड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सेंट्रल एशिया इज रिच इन नेचुरल गैस रिसोर्सेज। ठीक है, और क्योंकि हम ईरान के थ्रू अब यहाँ पर हम जो है आप सब जानते हैं कि चाबहार पोर्ट भी बना रहे हैं, तो बेसिक स्ट्रैटेजी जो इंडिया की ये है कि थ्रू चाबहार पोर्ट इट वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू अफगानिस्तान एंड टू सेंट्रल एशिया। ठीक है, तो हम इन दो रीजन्स के साथ कनेक्ट यहाँ पर होना चाहते हैं ताकि हमें पाकिस्तान की तरफ ना देखना पड़े। ठीक है, तो अगर ये ईरान के साथ ईरान वॉर वाली सिचुएशन में जाता है तो इन दो एरियाज का जो हम रूट डेवलप करना चाहते हैं वहां पर भी हमारे लिए प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब इंडिया को क्या एक्शन लेने चाहिए या इंडिया क्या एक्शन ले रहा है? सबसे पहले तो इंडिया ने इमिजिएटली एडवोकेट किया है कि जो दोनों कंट्रीज हैं आपकी यूएस और ईरान, इनको रिस्ट्रेंट प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि चीजें और ना बिगड़े। दूसरा, इंडिया को वर्स्ट केस सिनेरियो को भी कंसीडर करना चाहिए कि अगर ऑयल सप्लाई जो है वो डिसरप्ट हो जाता है तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव रेडी होने चाहिए, और जिनमें से अफ्रीकन नेशंस जो है वो बहुत ज्यादा ह्यूज रोल प्ले करेंगे। देखिए, शेल गैस आने के बाद क्या हुआ, ऑयल की मार्केट में काफी ज्यादा डिक्लाइन आया, तो अफ्रीकन कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज, काफी एरियाज ऐसे हैं जहां पर अभी तक ऑयल जो है अनएक्सप्लोर्ड है, और इन्होंने ऑफर भी किया है टू सप्लाई ऑयल। तो अगर वेस्ट एशिया में हमारी कोई प्रॉब्लम आती है कि हमारा ऑयल सप्लाई वहां से नहीं आ रहा, तो वी कैन लुक फॉरवर्ड टू दीज अफ्रीकन नेशंस फॉर सप्लाइंग ऑयल। ठीक है, अगर हमारे फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, जैसे कि हमने देखा कि अगर रेमिटेंसीज आनी कम हो जाती हैं, एक्सपेट्रियट्स इंडिया वापस आ जाते हैं, तो फॉरेक्स के ऊपर जो हमारा प्रेशर है उसको कम करने के लिए जो है स्वैप एग्रीमेंट्स काम आएंगे। जैसे आपने देखा रिसेंटली इंडिया ने स्वैप एग्रीमेंट साइन किया था जापान के साथ। ठीक है, तो ये भी हमें काफ़ी हेल्प करेंगे फॉर यू नो फॉरेक्स रिजर्व्स।
उसके बाद देखें अगर इंडिया जो है स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी जो है डेवलप कर रहा है, ताकि अगर ऐसी कोई डिस्ट्रप्शंस आती हैं तो हम ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को यूज कर सकें। उसके अलावा इंडिया एक जो है $2 बिलियन प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है रशिया में, और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जो हमारा टारगेट बढ़ रहा है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो है हमारी वॉट इंडिया इज ट्राइंग टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंस ऑन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल। अब अगर आप देखें जो हमने रशिया के साथ जो एग्रीमेंट किया है, इसमें हम जो रशिया का फार ईस्ट है वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड इंडिया जो है इट इज एडिंग टू $10 बिलियन+ इन्वेस्टेड बाय इंडियन ऑयल पीएसयूज इन रशियन ऑयल मेजर्स। तो बेसिकली ये है कि हम अपना जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज या नेचुरल गैस को इंक्रीज यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म है, पर थोड़ा ये इतना बहुत जल्दी नहीं हो जाता, क्योंकि अगर वॉर अगले कुछ टाइम में हो गई तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम 2 दिन में ग्रो कर लेंगे, या हम जो रशिया से रशिया के में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको हम 2 दिन में यूज करना शुरू कर देंगे। पर आप जब मेंस का आंसर लिख सकते हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव लिख सकते हैं कि चलो ये तो एस्केलेशन हट जाएगा, अगर खत्म हो जाएगा कोई बात नहीं, वॉर नहीं होगा, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसी सिचुएशन आए तो इंडिया को कैसे बचना है, तो उसके लिए हमें आज से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीजें 2 दिन में नहीं होती। ओके, तो ये सारा जो है आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि मेंस में बेसिकली आपसे ये पूछा जाएगा कि इंडिया के क्या कंसर्न्स हैं और इंडिया को कैसे इन चीजों से डील करना है। क्लियर? चलिए, तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर दीजिए और उसको जल्द से जल्द आंसर किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे आपके लिए ऐसे वीडियोज आते रहेंगे जो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।